ऋतु लसानाम दंता, यानी कि लि ल दंत स एवं तबर्ग। तबर्ग में चार वर्ण त थ द ध, यानी कि पंचम वर्ण को छोड़ करके इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। यानी कि ल का जब आप उच्चारण करिएगा और कोशिश करिएगा कि दांत के बिना हम इसका उच्चारण कर दें तो ये संभव नहीं है। जैसे आप दोनों उंगलियों से अपने दांतों को रोकिए, बोलिए दांत ल का उच्चारण करिए, तो ऐसे उच्चारण इसका नहीं हो पाएगा। इसलिए दंत से ही इन वर्णों का उच्चारण स्थान उच्चारण हो सकता है। पांचवा है उपा उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ। उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ, यानी कि ह्रस्व उ दीर्घ उ एवं पवर्ग। पवर्ग में चार चार वर्ण प फ ब भ, पंचम वर्ण को छोड़ करके इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब ओष्ठ में भी दो ओष्ठ है, एक नीचे वाला है और एक ऊपर वाला है। तो नीचे वाले को होठ बोलते हैं और ऊपर वाले को ओष्ठ बोलते हैं, ओठ बोलते हैं। लेकिन जब दोनों का संयुक्त मिलन होगा तो दोनों को मिलाकर के ओष्ठ होता है, यानी कि प फ ब भ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। अगला सूत्र है यम गणा नाम नासिका च, यानी कि सभी वर्गों का जो पंचम वर्ण छूटते आया था, तो यानी कि य म ङ र एवं न, ये पांच जो वर्ण है ये पांच वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। यानी कि इन पांचों वर्णों को अनुनासिक वर्ण की संज्ञा दी गई है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान नाक है। यानी कि जब भी आप बोलिएगा ङ ङ ण न, तो कहीं ना कहीं नाक से ऊर्जा लेनी पड़ती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान नाक है और इन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अगला सूत्र है ए दयितो कंठ तालु, यानी कि ए एवं ए, हरस्व ए और दीर्घ ए इसको हम बोलते हैं, यानी कि ए और ए इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु से होता है। अगला सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम, यानी कि ओ एवं औ। ओ एवं औ का जो उच्चारण है, उच्चारण स्थान है, वो कंठ और ओष्ठ है। यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों के समन्वय से ही इन वर्णों का उच्चारण होता है। और अंत में उच्चारण स्थान का वकारस्य दंत्योष्ठम, यानी कि वह का उच्चारण स्थान दंत एवं ओष्ठ है। पुनः अगली कक्षा में, अगला क्लास